हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल नॉलेज का है। और मैं हूँ आपका दोस्त अमित तिवारी। रात 8 बजे आपको क्लास मिल रही है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी 2025 के लिए हम एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स जो है वो आप सभी के लिए रन कर रहे हैं। ये जो कोर्स स्टार्ट हमने किया था वो इस एक पॉइंट ऑफ व्यू के साथ किया था, इस एक एम के साथ किया था कि वो सभी बच्चे जो अगले 6 महीने रेडी हैं, जो अगले 6 महीने अपने आप को डेडिकेटेडली यहाँ पर पुट कर सकते हैं अपने सिलेक्शन के लिए, अपने हार्डवर्क के लिए, बिना ये सोचे कि नोटिफिकेशन कब आएगा, ऐसे बच्चों के लिए हमने ये कोर्स एनरोल किया था। और बहुत सारे बच्चे जो हैं वो लगातार एनर्जी के साथ हमारे कोर्स पर मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो मैं ऐसे सभी बच्चों को एक बार सैल्यूट करता हूं और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश मीडियम वाली क्लासेस भी हमारी पैरेलल चल रही हैं। हम 2 से 3 क्लासेस में इस ऑडिट को कंप्लीट कर देंगे। हिंदी मीडियम के लिए भी इंग्लिश मीडियम में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों ऑडिट प्रोग्राम के लिए, ठीक है प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं किसके लिए, ऑडिट प्रोग्राम के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की हम क्लास में डिस्कस करेंगे अंकेक्षण कार्यक्रम, ऑडिट प्रोग्राम बेसिकली होता क्या है। इससे पहले की क्लासेस हमने प्लेलिस्ट बना दी, आप वहाँ पर जाकर विजिट करिए और पूरी क्लासेस को एक बार ज़रूर देखिए, ठीक है। तो अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, हमने जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो यदि हम बात करें तो अंकेक्षण प्रोग्राम क्या होता है, अंकेक्षण कार्यक्रम क्या होता है, जब भी ऑडिटर या ग्रुप ऑफ ऑडिटर्स, ऑडिटर्स का जो समूह होता है, अंकेक्षकों का वो समूह होता है, जब अपनी किसी भी साइट पर ऑडिट करने जा रहे होते हैं, जब अपनी किसी भी साइट पर वो ऑडिट करने जा रहे होते हैं, उस समय वो जिन जिन बातों को ध्यान रखते हैं, जिस तरह की क्रियाविधि को फॉलो करते हैं, जिस तरह की चीज़ों को फॉलो करते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं सर, उसे हम बोलते हैं अंकेक्षण प्रोग्राम बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय 3 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है। सर कौन कौन सी 3 मुख्य बातों का ध्यान रखा जाता है, ज़रा समझिए। पहली चीज़ तो ये कि कितना कार्य करना है, मतलब उन्हें ये पता होना चाहिए कि भाई हमें काम कितना करना है, किसके द्वारा किया जाना है, मतलब यदि ऑडिटर की टीम है तो वो अपने किन लोगों को वहाँ पर भेजने वाले हैं, कितना समय में पूरा करना है और हमें कितने समय में पूरा करना है। मान लीजिए हमारे पास काम बहुत ज़्यादा है लेकिन हमें 10 दिन में या 1 हफ्ते में या 15 दिन में ऑडिट को ख़त्म करना है और हमारी टीम के कौन कौन से मेंबर्स वहाँ पर जाने वाले हैं, क्लियर। इसके अलावा यदि हम बात करें आगे तो और भी चीज़ें होती हैं। तो प्राइमरी यदि मैं बात करूँ तो प्राइमरी 3 चीज़ें आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी थी। 3 बातें कौन कौन सी हैं ऑडिट प्रोग्राम बनाते समय ध्यान रखनी है कि भाई कितना कार्य करना है, मतलब अमाउंट ऑफ वर्क, किसके द्वारा किया जाना है, द पर्सन हु आर अकाउंटेबल टू डू इट, और कितने समय में पूरा करना है, द टाइम टेकन बाय देम टू फिनिश द टास्क, क्लियर। तो जब इन तीनों, मैं इंग्लिश में क्यों बोल रहा हूँ बीच बीच में, रीज़न ये है कि भले ही आप हिंदी मीडियम के बच्चे हों, भले ही आप हिंदी में पढ़ना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये पता होगा कि जनरल सामान्य भाषा में हम इतनी इंग्लिश पढ़ते रहते हैं, इतनी चीज़ें सुनते रहते हैं कि उन शब्दों की जो टिपिकल हिंदी है वो हम समझने में परेशानी महसूस कर सकती है। इसीलिए आपको परेशानी ना हो, इसीलिए मैं कुछ मिले जुले शब्द यूज़ कर रहा हूँ ताकि कंटेंट तो हमारे हिंदी में है, चीज़ें भी हिंदी में, लेकिन आपको समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी ना हो, आपको हिंदी बहुत ज़्यादा ऑड ना लगे। तो इन 3 चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है जब हम ऑडिट प्रोग्राम अपना बना रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात ये होती है कि अतः अंकेक्षण कार्यक्रम एक ऐसी लिखित योजना है, याद रखना है ये एक रिटेन डॉक्यूमेंट्री है, ऐसी लिखित योजना है जिसके अनुसार अंकेक्षक अंकेक्षण का कार्य करता है। अंकेक्षण कार्यक्रम से अंकेक्षक के स्टाफ के प्रत्येक व्यक्ति को यह जानकारी हो जाती है कि उसे क्या कार्य करना है, कितने समय में करना है और किसको करना है, सारी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो उन्हें मिल जाती है। तो बेसिकली जब भी कोई ऑडिट आता है तो उस ऑडिट के बारे में पूरा एक खाका तैयार कर लिया जाता है, उसकी एक आउटलाइन तैयार कर ली जाती है। इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं सर, हम इसे ऑडिट प्रोग्राम बोलते हैं, हम इसे अंकेक्षण कार्यक्रम बोलते हैं, ठीक है सर। ये तो आपने बता दिया, बहुत अच्छे से समझ आ गया, आगे बढ़िए। तो अब हम आगे की कहानी समझें तो ऑर्थर डब्ल्यू होम्स ने क्या बोला है इसके बारे में, तो ऑर्थर डब्ल्यू होम्स के अनुसार एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। लोचदार शब्द से यहाँ पर क्या तात्पर्य है, देखो लोचदार शब्द से मतलब यहाँ पर यह है, लोचदार शब्द से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एक लचीला कार्यक्रम जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने उसे इतना रिजिड बना दिया है कि आप जिस तरह से के उसी पे अडिग हैं और थोड़ा बहुत भी हेल्डोल नहीं पा रहे थे, आप हेल्डोल नहीं पा रहे तो आप प्रैक्टिकल समस्याओं को समाधान नहीं कर पाएंगे। तो इसे लोचदार होना चाहिए, लचकदार होना चाहिए, ऐसा मान लीजिए। होबार्ट स्टेटलर ने क्या कहा है, होबार्ट स्टेटलर ने कहा है कि नियोक्ता की वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने के पालन में किए जाने वाली समस्त क्रियाओं की रूपरेखा को अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है,
इसके बाद तीसरा है वॉल्ट डब्ल्यू बिग ने क्या बोला है। वॉल्ट डब्ल्यू बिग के अनुसार एकरूपता लाने के लिए और यह निर्णय लेने के लिए कि लेखाकर्म के संपूर्ण कार्य का अंकेक्षण हो जाए, एक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। इसका प्रत्येक कर्मचारी अपने हस्ताक्षर अपने मार्क के अनुसार कंप्लीट करता है। तो ये तीनों की तीनों परिभाषाएं पढ़नी सुपर इम्पॉर्टेंट है आप सभी को। मैंने एक बार पढ़ दी है कि भाई आर्थर डब्ल्यू होम्स ने क्या कहा है कि एक ये लोचदार योजनाबद्ध कार्यक्रम है। इसके बाद हमने क्या देखा, होबार्ड स्टेलर ने क्या बोला कि नियोक्ता के वित्तीय विवरणों के विषय में राय बनाने के लिए पालन की जाने वाली समस्त क्रियाओं या रूपरेखाओं को क्या बोला अपने अंकेक्षण कार्यक्रम बोला है। और वॉल्टर डब्ल्यू बिग ने क्या बोला, वॉल्टर डब्ल्यू बिग ने बोला है कि एकरूपता लाने और यह निर्णय करने के लिए कि लेखा कर्म के संपूर्ण कार्य का अंकेक्षण हो जाए, एक कार्यक्रम बनाया जाता है जिसे अंकेक्षण कार्यक्रम कहा जाता है। अब ये तीन डेफिनेशन हमने पढ़ ली, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम बात करते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट क्या है ऑडिट प्रोग्राम के, ऑडिट प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है, ऑडिट प्रोग्राम के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो ऑडिट प्रोग्राम का जो मुख्य उद्देश्य है वो तो यही होता है कि आप अंकेक्षण के कार्य को समय रहते प्रभावी ढंग से पूर्ण कर लें। अंकेक्षण के कार्य को समय रहते प्रभावी ढंग से पूर्ण करना, यही ऑडिट प्रोग्राम का जो है उद्देश्य है। जैसे कि आप कहीं भी जाते हैं तो आप एक प्रोग्राम बनाते हैं कि भाई मैं इतने बजे निकलूँगा, इतने बजे पहुँचूँगा, इतनी जल्दी काम ख़त्म करूँगा और वापस आ जाऊँगा। तो आप ये प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, आप इसलिए बनाते क्यों, क्योंकि आप उस चीज़ को इफेक्टिवली कर लें, प्रभावी ढंग से कर लें, आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो, आपके अननेसेसरी एफर्ट्स, आपकी एनर्जी वेस्ट ना हो। ठीक है, इसीलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं। तो सेम ऑडिट प्रोग्राम का भी यही कंसेप्ट है। आगे हम बात करते हैं कि एक अच्छे अंकेक्षण कार्यक्रम की क्या विशेषताएँ होती हैं, मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं एक अच्छे ऑडिट प्रोग्राम की, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें जिसके बेस पर आप कह सकते हैं कि जो बनाया गया ऑडिट प्रोग्राम एक बहुत बढ़िया ऑडिट प्रोग्राम था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें उन्हें हम यहाँ पर फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये लिखित होता है। देखो, दो तरीके से हो सकती हैं चीज़ें। जैसे आपने किसी चीज़ का प्लान बनाया तो उसको प्रॉपर उसको पेपर पर लिखा है, एक एक छोटे से छोटी बारीक चीज़ आपने उसकी लिखी है, तो जब आपने लिखी है तो आप किसी भी चीज़ को भूलेंगे नहीं और बहुत सिस्टमेटिकली उसे करते चलेंगे, है ना। आप उसे भूलेंगे नहीं और बहुत सिस्टमेटिकली क्या करेंगे, आप उसे करते चलेंगे। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होती है, दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप लिख लेते हैं तो ये चांसेस कम होते हैं कि आप अपने किसी स्टेप को भूलेंगे, और जब आप अपने किसी भी स्टेप को भूलेंगे नहीं तो ये निश्चित है कि आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से क्या कर देंगे सर, अंजाम तक पहुँचा देंगे। क्लियर। दूसरी चीज़ क्या होती है, इसमें स्पष्टता होनी चाहिए। स्पष्टता का मतलब ये है कि आप इस स्टेप के बाद इस स्टेप को करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि भाई आपने यहाँ पर लिखा स्टेप ए, फिर लिखा स्टेप सी, फिर स्टेप ई, और आपको ए बी सी डी स्टेप के थ्रू जाना है। तो आपको किन किन मानकों को फॉलो करना है, आपको किन किन क्रियाकलापों को पूर्ण करना है, आपको कौन कौन से वाउचर देखने हैं, कितने लोगों को उधर भेजना है, कितने दिन में कार्यक्रम को कंप्लीट करना है, ये जो सारी की सारी आप लिखित में तैयार करते हैं ये स्पष्ट रूप से होना चाहिए। और आपके हर एक टीम मेंबर को, आपकी हर एक व्यक्ति को जो आपके साथ ऑडिट करने जाने वाला है, जो टीम ऑडिट करने जाने वाली है, उसको क्रिस्टल क्लियर तरीके से सारी की सारी चीज़ें बता देनी है। ये बहुत ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर इसे हम पढ़ भी लेते हैं कि अंकेक्षण कार्य में उपस्थित सारी बातें स्पष्ट होनी चाहिए। अंकेक्षण के स्टाफ को किसी भी मद के बारे में अंकेक्षक अथवा नियोक्ता से पूछे जाने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। यदि अंकेक्षण कार्यक्रम स्पष्ट नहीं होगा तो श्रम तथा समय दोनों ही नष्ट होंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि श्रम और समय दोनों आपको बचाना है एज एन ऑडिटर, एक ऑडिटर के तौर पर, एक अंकेक्षक के तौर पर, यदि आपको अपना श्रम भी बचाना है और आपको अपना समय भी बचाना है, तो आपको एक लिखित इफेक्टिव और स्पष्ट, लिखित प्रभावी और स्पष्ट, तीनों वर्ड याद रखने, लिखित प्रभावी और स्पष्ट ऑडिट कार्यक्रम बनाना पड़ेगा, अंकेक्षक कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पहले दो पॉइंट तो आपके क्लियर हो गएंगे सभी बच्चों के। आगे की कहानी को हम समझते हैं। तीसरा है विभाग अनुसार कार्य का विभाजन। ठीक है, विभाग अनुसार कार्य का विभाजन। अब होता क्या है, समझिए पहले इसको हिंदी में समझ लेते हैं, डेफिनेशन भी समझ लेते हैं जो लिखी हुई है, कि संस्था के प्रत्येक विभाग अथवा उप विभाग के लिए अलग अंकेक्षण कार्यक्रम बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कार्य का विभाजन करते समय प्रत्येक विभाग के लेखों का भी ध्यान रखना चाहिए, ताकि लेखों से संबंधित सूचना व स्पष्टीकरण आसानी से प्राप्त किया जा सके। अब सर ये क्या बात होती है, तो समझिए सर ये क्या बात होती है। बात ऐसी है कि जब आप किसी भी, मान लीजिए आप बैंक का एक ऑडिट करने जा रहे हैं,
तो जब आप बैंक का ऑडिट करने जा रहे हैं तो आप उसके अकाउंट सेक्शन का अलग ऑडिट करेंगे, क्यों? क्योंकि अकाउंट सेक्शन में पूरी की पूरी अकाउंट्स की लेखों की जानकारी होगी। उसके बाद वहाँ का एचआर डिपार्टमेंट भी होगा। एचआर डिपार्टमेंट पैसे से रिलेटेड तो है नहीं, अकाउंट सेक्शन पैसे से रिलेटेड था तो भाई उसके लिए अलग क्रियाविधि होगी कि वहाँ आपको वाउचर देखने पड़ेंगे, वहाँ आपको बैलेंस शीट देखनी पड़ेगी, वहाँ आपको सेल्स देखनी पड़ेंगी, परचेज देखनी पड़ेंगी, प्रॉफिट देखने पड़ेंगे, लॉस देखने पड़ेंगे, तो उसके हिसाब से कार्यक्रम उसका अलग होगा। वही जब आप एचआर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे कि भाई एम्प्लॉयज़ की सैलरी सही तरीके से जा रही है या नहीं जा रही है, किसी का टैक्स डिडक्शन गलत तरीके से या सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, यदि किसी को कुछ क्लेम सेटलमेंट पेंडिंग तो नहीं है, प्रॉपर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर अलग होंगी। तो हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक कल्चर होगा, अलग रिक्वायरमेंट होगी, और उस कल्चर और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अपना कार्यक्रम जो है वो तैयार करना पड़ेगा ताकि आप वहाँ पर प्रभावी ढंग से चीज़ों को समप कर पाएँ। अगला जो है चौथा, वो है लेखांकन प्रणाली के अनुसार ही अंकेक्षण कार्यक्रम तैयार करना। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका मतलब समझिए कि लेखांकन प्रणाली के अनुसार अंकेक्षण कार्यक्रम से क्या तात्पर्य होगा। ध्यान से समझो कि अंकेक्षण कार्यक्रम संस्था में प्रायुक्त लेखाकरण प्रणाली के अनुरूप होना चाहिए ताकि अंकेक्षण कार्य बिना किसी बाधा के तेजी से चलता रहे एवं किसी लेन देन के छूटने का भी भय ना हो। मतलब ये बात समझ रहे हैं ना कि जो ऑडिटिंग सिस्टम फॉलो किया जा रहा है उस कंपनी के द्वारा, आपको उस ऑडिटिंग सिस्टम की जानकारी रखनी है और उस ऑडिटिंग सिस्टम के अनुसार ही आपको क्या करना है, ऑडिट करना है। यदि आपको उस अपने क्लाइंट के ऑडिट सिस्टम की पूरी जानकारी होगी तो आप हर एक कोने को बहुत आसानी से टच कर पाएंगे और आपसे ये संभावना बहुत कम होगी कि आप किसी ऐसे क्षेत्र को छोड़ दें जहां पर आपको त्रुटि या फिर किसी तरह की धोखाधड़ी गबन देखने मिले। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि यदि आपको किसी कंपनी के लेखांकन की जानकारी है तो आपको ये पता होगा कि कहां कहां वो कंपनी गलती कर सकती है, कहां कहां वो कंपनी फ्रॉड कर सकती है। आगे बात करते हैं उत्तरदायित्व का निर्धारण आपको करना है कार्यक्रम बनाते समय। जैसे मान लीजिए आपके 5 लोगों की टीम है, कोई व्यक्ति टैक्स में पारंगत होगा, टैक्स में अच्छा नॉलेज रखता होगा, कोई व्यक्ति वाउचर वेरिफिकेशन करने का नॉलेज अच्छा रखता होगा, कोई व्यक्ति बैलेंस शीट देखने में अच्छा होगा, तो कोई व्यक्ति एनालिटिकल रीजनिंग में अच्छा होगा, लॉजिक्स में अच्छा होगा। तो भाई जो व्यक्ति जिस हिसाब से अच्छा नॉलेज रखता है, जिस हिसाब से एक्सपर्टाइज रखता है, आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को उससे संबंधित क्षेत्र में पहुंचाना है ऑडिट करने के लिए। ठीक है, आप एक कंपनी के पास जा रहे हैं तो वहाँ बैलेंस शीट यदि देखनी है तो उस व्यक्ति को आप देंगे जो बैलेंस शीट में अच्छा होगा। वाउचरिंग देखनी है तो उस व्यक्ति को आप भेजेंगे जो वाउचरिंग को अच्छे से एनालाइज कर लेता है, अच्छे से समझ लेता है। यदि इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है तो आप उस व्यक्ति को वो सेक्शन देंगे जो इनकम टैक्स में अच्छा है, जो इसे अच्छे से समझ लेता है। तो बेसिकली यही है कि उत्तरदायित्व का निर्धारण करना ताकि आप इफेक्टिवली चीज़ों को कर पाएं। अगला पॉइंट है प्रारंभ से अंत तक की जाँच करना। मतलब मान लीजिए यदि आप ईयरली ऑडिट कर रहे हैं, सालाना ऑडिट यदि आप कर रहे हैं तो 365 दिन होते हैं, 365 दिन के सारे वाउचर्स आपको देखने हैं, उनकी गहन जांच करनी है तो उन्हें किस तरह से करना है। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन के लिए ऑडिट पे जाएंगे, लेकिन आपके पास डेटा तो 365 दिन का है ना। अब यदि आप प्लान बना के नहीं चलेंगे तो ये मुश्किल है कि भाई 15 दिन में आप 365 दिन का काम ख़त्म कर पाए। जैसे कि वही होगा कि 6 महीने बचे हैं लेकिन सिलेबस बहुत ज़्यादा है आपका, तो जब इतना ज़्यादा सिलेबस है तो आप इसे कवर अप कैसे कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लान चाहिए। यदि आपके पास एक प्रॉपर प्लान नहीं होगा तो ये सिलेबस कंप्लीट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल कड़ी साबित हो जाएगा। और अगला है पुनः जांच। ठीक है, तो जैसे हम रिवीजन करते हैं वैसे ही ऑडिट कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवाइज जांच भी जरूरी है। खैर इसको हम उतना सीरियसली नहीं लेते। तो ऑडिट प्रोग्राम के गुण तो हमने देख ली, अब आगे की बात करते हैं कि ऑडिट अंकेक्षण कार्यक्रम से हमें क्या लाभ होते हैं, कौन कौन से एडवांटेजेस हैं जो ऑडिट प्रोग्राम से हमें मिलते हैं। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमने यहाँ पर चीज़ों को समझ लिया है। ठीक है, ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार सभी बच्चे लाइव चैट के थ्रू बताएं और बताएं कि यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। जब तक मैं पानी पी लूँ फिर हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ को समझते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट प्रोग्राम क्या होंगे, अंकेक्षण कार्यक्रम के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि योग्यता अनुसार कार्य विभाजन, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं। मैंने अभी आपको बताया कि जब आप अपना ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो आप अपने ऑडिट प्रोग्राम में ये ध्यान रखेंगे कि जो व्यक्ति टैक्सेशन में अच्छा होगा, जो व्यक्ति कर नियंत्रण में अच्छा है उसे टैक्सेशन से रिलेटेड आप ऑडिट देंगे, जो व्यक्ति बैलेंस शीट को अच्छे से पढ़िया समझ सकता है आप उसे बैलेंस शीट से रिलेटेड ऑडिट देंगे, जो व्यक्ति वाउचरिंग में अच्छा है ना, आप उसे वाउचरिंग से रिलेटेड क्षेत्र देंगे अपनी ऑडिट का। ठीक है, तो ऑडिट कार्यक्रम में आप ये देख सकते हैं कि भाई कौन सा व्यक्ति किस चीज़ में अच्छा है और उसे ऑडिट का वो हिस्सा आप क्या कर देंगे, थमा देंगे। तो ये बहुत आसान सी बात हो गई। आगे की बात समझते हैं, कार्य छूटने का भय नहीं रहता, क्यों? क्योंकि यदि आपने ऑडिट प्रोग्राम बना लिया तो आपके पास पूरा एक बेस तैयार होगा कि मैं 7 दिन में इतनी इतनी चीज़ें करूंगा। जैसे मान लीजिए आपका पेपर है और आपके पास पेपर में 10 टॉपिक हैं और आपके पास 7 दिन है, तो आप डिवाइड कर लेते हैं कि भाई मैं पहले दिन 2 टॉपिक पढ़ूंगा, अगले दिन 2 टॉपिक पढ़ूंगा, फिर 2 टॉपिक पढ़ूंगा, ऐसे 5 दिन में मैं 10 टॉपिक कंप्लीट कर लूँगा, बचे हुए 2 दिन में रिवाइज कर लूँगा। तो इसमें क्या होगा, आपका कार्य छूटने का भय नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि आपने प्लान बना और आप उसी के हिसाब से एग्जीक्यूट करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी होगा तो आप उसे कवर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आगे की कहानी की, तो नियंत्रण में सुविधा रहती है, क्यों? क्योंकि यदि अंकेक्षण कार्यक्रम है तो अंकेक्षण कार्यक्रम में जो सारे के सारे आपके संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, वो एक जगह इकट्ठे कर लेंगे आप, उनका माइंड मैप बना लेंगे आप, तो एक रोड मैप बना लेंगे और आसानी से आप उन्हें क्या कर पाएंगे, कंट्रोल कर पाएंगे। अंकेक्षण के कार्य में एकरूपता रहेगी, क्यों? क्योंकि जब आप ऑडिट प्रोग्राम बनाएंगे तो आप अपने ऑफिस में बैठे होंगे अपनी पूरी की पूरी टीम के पास, पूरी टीम के पास एक ही तरह का ऑडिट प्रोग्राम होगा, सबको पता होगा कि हमें इतने इतने स्टेप को फॉलो करना है ना। ऐसा नहीं है कि भाई किसी टीम का एक सदस्य अलग तरीके से काम कर रहा है, दूसरा सदस्य अलग तरीके से काम कर रहा है, नहीं, सभी के पास एक फिक्स्ड प्रोग्राम है और सभी को उसी फिक्स्ड प्रोग्राम, निश्चित मानक के आधार पर काम करना है, तो एक रूपता बनी रहेगी। अगला पॉइंट है निर्धारित समय में कार्य की समाप्ति, तो इसको ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं, ऑडिट प्रोग्राम बनाया ही इसलिए जा रहा है कि आप काम को टाइमली कंप्लीट कर पाएँ, और सुनिश्चित उत्तरदायित्व होगा कि भाई 5 लोगों की टीम है जा रहे हैं तो भाई 2 लोगों को ये देखना है, अगले 2 लोगों को ये देखना है, एक उन 4ों को सुपरवाइज करेगा, तो उत्तरदायित्व का आप बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अपन निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा सर, यहाँ पर हमने ये देखा एडवांटेजेस कौन कौन से ऑडिट प्रोग्राम के, तो इसमें हमने देखा योग्यता अनुसार कार्य का विभाजन, कार्य छूटने का भय नहीं, नियंत्रण में सुविधा, अंकेक्षण कार्य में एकरूपता, निर्धारित समय में कार्य की समाप्ति, सुनिश्चित उत्तरदायित्व, कार्य परिवर्तन की सुविधा, कार्य की प्रगति का ज्ञान और न्यायालय में प्रमाण। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें ऑडिट प्रोग्राम जो है इसमें डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है और इस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, न्यायालय में एज अ एविडेंस भी इसे यूज़ किया कर सकते हैं, न्यायालय में प्रमाण के तौर पर भी उपयोग कर सकते हैं। तो एडवांटेजेस तो हमने देख ली, अब हर एक चीज़ के लाभ हैं तो उसके कुछ ना कुछ हानियाँ भी होंगी, तो ऑडिट प्रोग्राम की कुछ हानियाँ भी हैं। ठीक है, हानियाँ क्या क्या हैं ज़रा इन्हें हम समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि कार्य का यंत्रवत होना, यंत्रवत होने का मतलब क्या है, कार्य को मैकेनिकल बना देता है। मैकेनिकल बनाने का मतलब ये कि जैसे आपने एक मशीन है, ठीक है, एक मशीन को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि भाई मशीन पहले ये स्टेप करेगी, फिर ये स्टेप करेगी, फिर ये स्टेप करेगी, तो वो उतनी स्टेप करेगी। मान लीजिए यदि बीच में कुछ गड़बड़ आ गई तो वो चीज़ को हैंडल नहीं करेगी, उसे तो जो स्टेप बताएगा वही करेगी। ठीक है, जैसे एक रोबोट है, रोबोट से आपने बोला लेफ्ट जाना है, फिर राइट जाना है, फिर राइट जाना है, तो वो लेफ्ट राइट और राइट ही जाएगा। अब मान लीजिए बीच में कुछ आ गया या गड्ढे होंगे या डाइवर्ट होगा तो वो उसे नहीं समझ पाएगा। मतलब ये चीज़ें क्या होती हैं, यंत्रवत कर देती हैं, जो प्लान बनाया गया आप उसी प्लान से चलेंगे, आपको रिजिड कर देती हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ आप जैसे हमने बोला ना कि प्लान बनाते हैं लेकिन जीवन में ज़रूरी नहीं कि जैसा आपने प्लान बनाया वैसा ही हो, तो यदि कुछ अप्रत्याशित हो जाता है तो उस केस में ऑडिट प्रोग्राम एक बड़ा ड्रॉबैक बन जाता है। दूसरा है स्वतंत्र निर्णय का अभाव होता है। स्वतंत्र निर्णय के अभाव से मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर 5 लोगों का समूह है, 5 लोगों की टीम है, अब 5ों को आपने ऑडिट प्रोग्राम के तहत फिक्स कर दिया कि आपको ये करना है, इस स्टेप में करना है, दूसरे को भी बता दिया इसी तरह, तीसरे को भी बता दिया, अब सबके पास अपना काम है और अपने स्टेप है, उनको उसी में दायरे में रहना है, तो इससे क्या होता है, आदमी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। अब उसे कुछ चीज़ गलत लग रही है या कुछ चीज़ सही भी लग रही है लेकिन वो नियमों से बंधा है, वो कुछ नहीं कर पाएगा ना। जैसे मूवी में देखते हैं ना कि भाई कई बार पुलिस वाले होते हैं, वो चाहते तो हैं कुछ अलग करना लेकिन कई बार उनके हाथ बंधे होते हैं कानून की वजह से, कानून की सीमाओं की वजह से, तो वो चाह कर भी कुछ अपना दिमाग नहीं लगा पाते, इंडिपेंडेंटली कुछ नहीं कर पाते। ठीक है, आई होप सभी लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। तो
कार्य में यंत्रवत हो जाना, मतलब काम मैकेनिकल हो जाता है, रोबोट बन जाते हैं, मशीन बन जाते हैं और स्वतंत्र निर्णय आप ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए आपको उसी के अनुसार चलना होता है। अगले पॉइंट की बात करें तो नैतिक प्रभाव की कमी हो जाती है। नैतिक प्रभाव की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। नैतिक प्रभाव की कमी हो का मतलब ये कि अंकेक्षण कार्यक्रम से पहले ही जानकारी मिल गई। अब पहले जानकारी मिल गई तो कुछ गलतियां तो आपने उस हिसाब से चीज़ों को थोड़ा बहुत फेरबदल कर दिया, तो नैतिक अभाव की कमी हो गई। छल कपट की खोज कठिन होती है। क्यों? क्योंकि आपके पास फिक्स्ड स्टेप है, आपको उन्हीं फिक्स्ड स्टेप में चलना है और पहले से कार्यक्रम पता भी चल गया है सामने वाले नियुक्ता को, तो उसने अपनी चीज़ें उस तरह से कवर कर ली, छुपा ली, तो ये एक डिसएडवांटेज है ऑडिट प्रोग्राम का। सोच लोच का अभाव होता है, क्योंकि भाई ये लचीलापन नहीं है। लोच का मतलब लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होना, लोच से मतलब है फ्लेक्सिबल होना, है ना, फ्लेक्सिबल होना। अब फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उस समय पर यदि कुछ और करने की ज़रूरत है तो आप कर पाएँ, है ना। जैसे कि हमने महाभारत में सुना है, महाभारत में यदि जब द्युत क्रीड़ा हो रही होती है उस समय यदि जो पावरफुल लोग थे, चाहे वो भीष्म पितामह हो चाहे कोई और हो, यदि उन्होंने अपने जो धर्म थे उस धर्म को बदल दिया होता, ठीक है, जो उन्होंने धर्म बनाया तो उस धर्म को उन्होंने बदल लिया होता, उससे अडिग नहीं रहे होते, तो हो सकता था कि भाई महाभारत होती ही नहीं, है ना। इट वॉज क्वाइट पॉसिबल कि महाभारत उस समय होती ही नहीं, ये भी पॉसिबल था। चलिए ठीक है, तो इसीलिए लोच का अभाव रहता है वहाँ पर। अगला जो पॉइंट है, न्यायालय में प्रमाण। तो न्यायालय में प्रमाण तो देता है, लेकिन मान लीजिए कोई लापरवाही कर दे तो उसे मॉडिफाई भी किया जा सकता है, तो प्रमाण गलत भी हो सकता है। वह पूर्ण पहले अंकेक्षण, वह पूर्ण पहले अंकेक्षण और अयोग्यताएँ प्रकट ना हो पाना, अयोग्यताएँ प्रकट ना हो पाना। क्यों? क्योंकि जो जिसमें अच्छा आपने उसको वही दे दिया, उसका फिक्स काम है। जैसे मुझे बता दिया जाए कि ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये करना, मैं इस स्टेप को कर दूंगा, काम खत्म, मैं अपना कोई दिमाग ही नहीं लगाऊंगा, तो यदि मुझ में कोई अयोग्यता है तो वो जाहिर नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक यदि चीज़ समझ आ रही तो फटाफट से एक थम्सअप दे दो, वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर जरूर कर दो यार। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ 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 शेयर जरूर कर दें सभी लोग यार। अगला है, अंकेक्षण कार्यक्रम के उपयोगी होने के लिए लचीला होना चाहिए। ठीक है, ऑडिट को लचीला होना पड़ेगा। लचीला होने का मतलब यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस। एक बार फिर से कि सर फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस, एक बार फिर से फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द की टू सक्सेस इन ऑडिट वर्क। ठीक है, ये थ्योरी आप लोग एक बार पढ़ सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं बार बार बोलता जा रहा हूँ कि सभी लोग हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप लोग ये सभी पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे, पीडीएफ। ठीक है, चलिए अब बात आते हैं नैतिक जांच की, रूटीन चेकिंग। रूटीन चेकिंग या इंटरनल कंट्रोल या इंटरनल चेक एक ही तरह की चीज़ें होती हैं, आपको समझना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नैतिक जांच का शाब्दिक अर्थ है नित्य प्रति अथवा दैनिक जांच होना। अब दैनिक जांच में ये होना चाहिए भाई कि जो आप डे टू डे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं किसी भी संस्था में, डे टू डे जो व्यवहार लेन देन के व्यवहार हो रहे हैं उनकी जाँच होनी चाहिए कि कहीं उनमें किसी तरह के ह्यूमन एरर तो नहीं है, मानव गलतियाँ तो नहीं है, किसी और तरह की समस्याएँ तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि किस किस तरह की आप दैनिक जांच होनी चाहिए। तो पहला है भाई, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में जोड़ लगाया जाना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जोड़ लगाते समय कुछ चीज़ें छूट गई हों या गलत जोड़ लगा दिया गया हो जिससे आपके सेल्स में, परचेज में, प्रॉफिट में, लॉस में, एक्सपेंस में, इनकम में अंतर आ जाए। दूसरा है, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों का वही खाता में पोस्टिंग की गई या नहीं की गई। मतलब ये है कि क्या ठीक तरीके से लेज़र का डेटा उठा के पोस्टिंग करी गई है, क्या ठीक तरीके से जर्नल का डेटा उठा के लेज़र में ले जाया गया, जिसे हम क्या बोलते हैं सर, पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, पोस्टिंग बोलते हैं, तो क्या सही तरीके से पोस्टिंग करी गई या नहीं करी गई। यदि सही तरीके से पोस्टिंग नहीं करी गई तो समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि विभिन्न खातों के डेबिट और क्रेडिट पक्ष में जोड़ना। मतलब ये है कि भाई डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको दोनों देखनी और ये बराबर होनी चाहिए। हम सभी को पता है यदि डेबिट और क्रेडिट बराबर हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, और ऐसा नहीं होता तो हम इसे क्या बोलते हैं, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यदि ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड है, मतलब DR और CR नहीं मिल रहा है, तो चीज़ें पर दिक्कत में है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें सही बच्चों को क्लियर हो गई होंगी अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ रूटीन चेकिंग क्या क्या होते हैं, मतलब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या उद्देश्य हैं जो नैतिक जांच जिसके अनुसार की जाती है। तो भाई आप लोग सोच ही सकते हैं कि भाई डेली चेकिंग आप क्यों करेंगे, आप
एरर्स को कम करना चाहेंगे, आप फ्रॉड्स को कम करना चाहेंगे, आप नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का बुरा प्रभाव आपके अकाउंट्स पर पड़े, तो यही सारी चीज़ें होंगी कि भाई प्रारंभिक पुस्तकों का गणित संबंधी दोष मुक्त कर सकते हैं, जोड़ना घटाना इस तरह की समस्याएं तो आप उन्हें रेक्टिफाई कर पाएंगे। लेखे नियमानुसार बनाए गए हैं या नहीं आप ये देख पाएंगे, मतलब जब आपने जो अकाउंटिंग करी है वो सही ठीक ठाक करी है या नहीं करी है, कोई समस्या तो नहीं है, है ना, किसी तरह का रूल्स एंड रेगुलेशंस आप लगाना भूल तो नहीं गए हैं। जांच के पश्चात परिवर्तित किए गए अंकों का पता लगाना कि भाई आपने जांच के बाद जो फाइनल आपके आंकड़े बने हैं उस आंकड़ों में किसी तरह की कोई समस्या तो नहीं है, तो ये सभी की सभी चीज़ें आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब नैत्य जांच की विधि मेथड क्या क्या है रूटीन चेकिंग की, ये ज़रा हम देख लेते हैं कि भाई किस रूटीन को फॉलो किया जाता है रूटीन, ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। इसमें टिक मार्क मेथड यूज़ करी जाती है। टिक मार्क मेथड का मतलब ये कि आपने एक टू डू लिस्ट बनाई कि भाई जोड़ घटाने सही है, ठीक है, लेज़र पोस्टिंग प्रॉपर है, ठीक है, अकाउंट विधियाँ जो उपयोग करी जानी चाहिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो उपयोग करे जाने चाहिए वो सही तरीके से करे गए हैं, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप जो हैं देख सकते हैं। इसमें क्या किया जाता है ज़रा ध्यान से देखेंगे, टिक मार्क मेथड यूज़ करी जाएगी, स्याही के रंगों का उपयोग किया जाएगा, है ना, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं। इसे आप एक बार पढ़ लेंगे, मैं आपके लिए छोड़ दूंगा इस PDF को, आप उसे ज़रूर पढ़ लें। इसके लाभ क्या क्या होते हैं, रूटीन चेकिंग के लाभ क्या क्या होते हैं, ठीक है, फटाफट से इसे भी समझते हैं। देखो रूटीन चेकिंग में क्या है, गणित संबंधी त्रुटियों का ज्ञान हो जाता है, ठीक है, मतलब नॉलेज ऑफ एरर आ जाता है कि भाई कहीं यदि गलती है तो आपकी नज़र में आ जाएगी, पकड़ में आ जाएगी, आप उसे आसानी से दूर कर लेंगे। देखो मैं यहाँ पर क्या है, जो बहुत बेसिक चीज़ है बेटा, मैं उन्हें ओरली वर्बली नॉर्मली समझा रहा हूँ, फिर भी आपको लगता है कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में उसे उस टॉपिक का नाम डाल दें कि सर ये क्लियर नहीं है, हम उसे वापस से डिस्कस कर लेंगे। अंक परिवर्तन का पता चल जाता है, नॉलेज ऑफ अल्ट्रेशन इन फिगर, मतलब मान लीजिए 7580 लिखना था और गलती से 7850 लिख गया, जो कि होता ह्यूमनली पॉसिबल है, तो यदि ऐसी कुछ गलतियाँ हो जाती हैं अल्ट्रेशन वाली तो ये भी आप दूर कर सकते हैं। इसके अलावा सरल विधि, ये सिंपल मेथड है, ईजीली आप अपनी गलतियों को रेक्टिफाई कर सकते हैं, गलतियों का पता लगा सकते हैं। अगला क्या है, खतौनी की शुद्धता की जांच। खतौनी का मतलब ये है, हिंदी में समझिए, जो पोस्टिंग होती है इसे हिंदी में हम खतौनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसे, खतौनी बोलते हैं। तो जब आप जर्नल से डेटा उठाते हैं और लेज़र में ले जाते हैं तो इसमें क्या होता है, कई बार कुछ त्रुटियाँ हो जाती, कुछ गलतियाँ हो जाती, तो आप उस गलती का भी आसानी से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, ठीक है, उस गलती का भी आप आसानी से क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, कहने का तात्पर्य ये है यहाँ पर। अब बात आती है कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं रूटीन चेकिंग के, ठीक है। अब देखो देखने में तो रूटीन चेकिंग सर हमें बहुत अच्छी चीज़ लग रही है, देखने में हमें रूटीन चेकिंग बहुत अच्छी लग रही है, स्टिल यहाँ पर कुछ एरर हो सकते हैं, कुछ डाउट हो सकते हैं, ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो अब हम उन्हें समझ लेते हैं कि जब हम जो रूटीन चेकिंग करते हैं तो उस रूटीन चेकिंग के हमें नुकसान क्या क्या देखने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखो पहली चीज़ तो भाई होगी मैकेनिकल वर्क हो गया, मैकेनिकल वर्क मतलब हमने देखे ना कि टेक मार्क करने हैं आपको, अब वो फिक्स है कि भाई ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, ये चीज़ देखो, कुछ फिक्स स्टेप, और आपको नहीं फिक्स स्टेप को फॉलो करना है, तो अब जब आपको फिक्स स्टेप फॉलो करने हैं तो ये वर्क कैसा हो गया, मैकेनिकल हो गया, रोबोटिक हो गया एक तरह से, है ना, आप अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे ज़्यादा, योजनाबद्ध छल कपट प्रकट में आ नहीं पाते, क्यों, क्योंकि पता है रूटीन चेकअप में ये चीज़ें देखी जाएंगी, तो जो चालाक लोग होते हैं वो इस तरह से छल कपट करते हैं कि इनके बीच जो लूप होल्स हैं ना उन लूप होल्स में खेल कर जाएंगे अपना, ठीक है, तो वो हो जाता है। और तीसरी चीज़ ये है क्या, सैद्धांतिक एवं क्षतिपूरक अशुद्धियों का पता नहीं लग पाता, सैद्धांतिक एवं क्षतिपूरक अशुद्धियों का जो है वो यहाँ पर पता नहीं लग पाता है, ठीक है। तो एक बार फिर से इन तीनों चीज़ों को अच्छे से समझ लो आप लोग। देखो यंत्रवत कार्य होना, ये हम ऊपर समझ चुके कि भाई मैकेनिकल वर्क हो जाए यदि कोई, मतलब जैसे हमें पता है कि ये स्टेप फॉलो करने, तो एक तरह से मैकेनिकल वर्क हो गया, है ना, दिमाग को ज़्यादा आपको लगाना नहीं पड़ा, यदि कहीं कोई समस्या बीच में आएगी तो आप अलाउड ही नहीं है आपको दिमाग लगाना, तो ये रोबोटिक एक तरह से हो गया। दूसरी चीज़ क्या है, योजनाबद्ध छल और कपट आप पकड़ नहीं पाएंगे इस केस में, योजनाबद्ध छल कपट जो है आप पकड़ नहीं पाएंगे इस केस में, ठीक है। और सैद्धांतिक एवं क्षतिपूरक अशुद्धियों का पता लगा पाना यहाँ पर मुश्किल भी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये सारे के सारे डिसएडवांटेजेस हैं। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं परीक्षण जांच, टेस्ट चेकिंग। अगली क्लास में हम इस टेस्ट चेकिंग को शुरू करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, तो सभी बच्चे जुड़े रहें, सिर्फ यहाँ से 2 क्लासेज और हम ऑडिट को जो है अच्छे तरीके से कंप्लीट कर देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी। सभी बच्चों से बोलूँगा कल सुबह एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि APFC का एग्जाम 2025 में है नहीं है, क्या कहानी है, तो उस क्लास को सुबह 11 बजे लेना ना भूलें, ठीक है।
आपके कोशिश करूँगा कि सारे के सारे डाउट मैं वहाँ पर क्लियर कर दूँ। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, बाय बाय।